हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज फिर से एक बार शॉर्ट कवरिंग का अटेम्प्ट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। जो हमने कल लेवल्स मार किए थे, आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स, सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ऊपर गया तो सेकेंड टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ, तो फिर से सेकेंड टारगेट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे ब्रेकआउट लेवल ने सपोर्ट का काम किया। तो जो लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, और लास्ट के आधे घंटे में और भी तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में आते हुए देखने को मिली। तो आज एक बुलिश कैंडल डेली चार्ट पे फॉर्म हुआ है, और जो लेवल्स थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। तो 2 दिन जैसा कि हमने देख रहे थे कि टारगेट के लेवल के ऊपर काफ़ी ओपन हो रहा था, गैप डाउन भी ओपन हुआ था 2 दिन पहले। तो जब मार्केट में ज़बरदस्त माहौल बनता है, सुबह कोई ज़बरदस्त न्यूज़ आती है, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और गैप अप गैप डाउन एक्सट्रीम गैप अप के साथ ओपन होते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी ट्रेड नहीं ले तो बेटर होता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन का एक्सपीरियंस जिस ट्रेडर को है, काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, उनको अंदाज़ा आ सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अप जाएगा या फिर से यहाँ पर करेक्शन दिखाएगा। अगर न्यूज़ भी कोई सुबह अगर बड़ी न्यूज़ आती है, समझो मान लो US और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो गया, ऐसा सुबह न्यूज़ आता है, तो इसको प्रिडिक्ट तो हम अगले 1 दिन पहले तो नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम होता है। तो यहाँ पर जो लेवल्स है, जहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर बन रहा है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है, जहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है, ऐसे लेवल्स को मार्क करें और अपनी ट्रेडिंग प्लान जो है वो बनाएं। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं क्या डेली चार्ट में माहौल बन रहा है। ये डेली चार्ट है, RSI को देखें तो ये अभी 0 to 30, ये जो 0 to 30 ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, तो यहाँ पर 30 के लेवल के पास से आके ये बाउंस बैक हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा यहाँ पर एक दोजी जैसा कैंडल बना, और उसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम आया था, एक शॉर्ट रिकवरी आई थी, और अभी फिर से एक बार दोजी बन चुका है। तो जब जब ये ऐसा दोजी पैटर्न आता है तो चांसेस होते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। अगर आप पास्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए दोजी बना और उसके बाद यहाँ से ट्रेंड आई। तो ऐसा नहीं कि दोजी आने के बाद ट्रेंड रिवर्सल ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि दोजी कैंडल जब बनता है, जहाँ ओपन होता है उसी के आसपास आके क्लोज होता है, और एक स्मॉल बॉडी, एक लाइन जैसा बॉडी यहाँ पर क्रिएट होता है, तभी एक ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस होता है, सिग्नल होता है कन्फर्मेशन के लिए। जब इसका हाई ब्रेक होगा, इसके हाई के ऊपर क्लोज देगा, तभी कंफर्मेशन मिलता है कि भाई यहाँ से और भी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आज का ये जो ग्रीन कैंडल भी देखे तो एग्जैक्ट हाई के पास आके ये क्लोज हुआ है। दोजी का अगर हाई देखे तो 16,770 था, और आज का ये क्लोज देखे तो 955 था, 16,955, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है, अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी भी यहाँ पर बेरिश व्यू जो है वो बना रहेगा, लेकिन जो ये 1200 पॉइंट का फॉल आया है इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक, ये 1200 पॉइंट का फॉल है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत तो शॉर्ट कवरिंग आना ज़रूरी है, बनता है। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, ये टॉप और ये लो, तो आप देख सकते हैं 23.6% का लेवल अचीव हो चुका है। अभी कल अगर आज के हाई के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है ये 38.2% का होगा, 17,248 के आसपास, लेकिन उससे पहले 100 EMA एक हर्डल का काम कर सकता है, जो कि अराउंड 17,147 के पास है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं। अभी कल एक्सपायरी भी है, तो अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ये फेस करता है 16,950 के आसपास, और फिर से दोबारा से एक साउथवर्ड मूवमेंट दिखाता है, तो वेट करना चाहिए। जब तक ये इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। वीकली चार्ट में भी देखा हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके, ये लो और ये हाई पकड़ के, तो ये बाउंस बैक हुआ है 50% के लेवल के आसपास से, ये बाउंस बैक हुआ है।
अभी ऊपर जाएगा तो 20 वीक्स का ये जो पिंक लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग का, ये पिंक जो लाइन है ये अराउंड 17165 के पास आ रहा है। हमने देखा डेली चार्ट में 100 EMA में भी उसी लेवल के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है 17150 200 के पास एक हर्डल फेस करे। अगर ऊपर की तरफ जाते हुए निफ्टी इंडेक्स हर्डल फेस कर सकता है और नीचे 16300 के बाद फिर से बेरिश व्यू हमें देखने को मिल सकता है और तभी 15900-850 के आसपास सपोर्ट होगा। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अभी एक हर्डल को तो आज आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं, इसको निफ्टी ने पार कर लिया है 20 EMA को। अभी नेक्स्ट हर्डल है ये 50 EMA का ब्लू लाइन, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये पेनेट्रेट हो रहा था 20 EMA पूरा दिन। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 16994, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा और इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 17019 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17043। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो यहाँ पर स्विंग हाई बना है यहाँ पर से देख सकते हैं आप, फिर से ये नीचे गया था एक दिन पहले, तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 16923, हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 16896 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 16868, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लेवल्स कल हमने मार्क किए थे सुपर यहाँ पर वर्क हुए, ओपन हुआ ऊपर गया फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ एग्जैक्ट किसी के पास रेजिस्टेंस फेस किया दो बार, नीचे आया तो सपोर्ट लिया ब्रेकआउट लेवल का और यहाँ से ये काफ़ी साइडवेज मोमेंटम, ये जो बीच वाला पीरियड है सुबह का एक घंटा और लास्ट का एक घंटा छोड़ दे तो एक साइडवेज मोमेंटम ये ट्रेड हो रहा था और लास्ट के एक घंटे में ये जो अपसाइड मोमेंटम आया उसमें फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गए। तो ये 5 मिनट के चार्ट में लेवल्स ने अच्छी तरह से काम करते हुए नज़र आए। अभी कल बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को देखेंगे। ये देखिए आर्ली चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है साइडवेज मोमेंटम है, ना हायर हाइज बन रहे ना लोअर लोज बन रहे, एक चौपी मार्केट एक चौपी बैंक निफ्टी इंडेक्स का मूवमेंट आज हमें देखने को मिला। अभी कल के लिए ब्रेकआउट लेवल हमारा होगा ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल इसका हाई अगर ब्रेक होता है यानी 35176 ये अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं कल के लिए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35243 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड, ये गैप जो है ये कल फील हो सकता है तो कल हमारा सेकेंड टारगेट होगा 35324, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ज़्यादातर चांसेस है ये गैप जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ है दो दिन पहले ये फील हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल आर्ली चार्ट में, जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल बन रहा है 34783, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34677 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34570, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।